ओम शिव गोरख जी। तो आज हम फिर कुटिया में आ चुके हैं। तो आज गुरुदेव का है 23वां दिन, तो आइए देखते हैं गुरुदेव क्या कर रहे हैं और उनके पैरों की स्वेलिंग कैसी है। और आज का टॉपिक रहेगा तांत्रिकों के खिलाफ, देखते हैं कि जो है तांत्रिक से कैसे बचा जाए। तो आइए चलते हैं गुरुदेव के पास। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम जी। प्रणाम। ओम शिव गोरख जी। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। बढ़िया। तो क्या है आपके पैरों की हाल, क्या है? ठीक है जी। तो देखिए जो स्वेलिंग है आपको दिख रही होगी, काफ़ी बढ़ के ये ऊपर तक पहुंच चुकी है, आप देख सकते हैं। और दूसरा पैर भी देखिए, पूरी स्वेलिंग ऊपर से, यहाँ से नीचे से ऊपर पहुंच चुकी है। तो आज घर तपस्या का 23वां दिन है। तो गुरुदेव कोई समस्या विशेष आई हो आपको? समस्या तो आती है साधना में, समस्या आते से तो क्या घबराना। जी 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 जी। बाकी गुरुदेव, आपके गुरुदेव बैठे हैं आपकी रक्षा करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुदेव एक टॉपिक था, काफ़ी जो है युवाओं का जो है कुछ समस्या आ रही थी कि तांत्रिकों से डर लगता है उनको काफ़ी, और तांत्रिकों से किस प्रकार बचा जाए या फिर उनके पास जाएं तो उनको डर ना लगे। तो क्या आपका मानना है कि तांत्रिकों के खिलाफ क्या है? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भारत का युवा है जिसको भी तांत्रिकों से डर लगता है, सबसे पहले तो उन्होंने अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। ये युवा वो युवा है जिन्होंने मुगलों को भी परास्त किया, अंग्रेजों को भी यहाँ से भगाया जी। और हमारे इतिहास ये कहता है, हमारे तो ऐसे योद्धा पैदा हुए हैं भारत की भूमि पे जिनका सिर धड़ से अलग हो गया फिर भी वो लड़ते रहे। बिल्कुल। ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे वीर इस भारत की भूमि से पैदा हुए हैं, फिर भी आप लोगों को डर लगता है। एक सरदार उधम सिंह, मात्र 19 साल की आयु में उन्होंने अपने जलियांवाला बाग का बदला लिया, ब्रिटिश में जाके उसी अंग्रेज को डायर को वहीं ठोका। एक 19 साल का व्यक्ति, 19 साल का नौजवान, जब वो 19 साल की उम्र में ऐसी बुद्धि रखता है तो मैं ये कहना चाहता हूँ भारत के युवाओं से, कहाँ हो तुम? इन तांत्रिकों से डर के क्या तुम घर बढ़ जाओगे, जीना छोड़ दोगे? कब तक रहोगे ऐसे? मुकाबला करना पड़ेगा, निकल के आओ, निकलना पड़ेगा ही। डरना मत, जितना आप उनसे झुकोगे वो उतना ही झुकाएंगे, जितना आप उनसे डरोगे उतना ही आपको डराएंगे। मैं अपने तमाम भारत के युवाओं की तरफ से दो लाइन कहना चाहता हूँ कि मैं भारत वर्ष का बेटा हूँ, हरगिज झुक नहीं सकता। मुझे मालूम है मैं मरने से पहले मैं मर नहीं सकता। कायर हो गए जो दुश्मन के आगे सिर झुकाने को, मैं मर जाऊँगा लेकिन उन्हें नमन कर नहीं सकता। हमें उन्हें हराना पड़ेगा, अपनी सोच से हराना पड़ेगा। ऐसे व्यक्तियों से हम उनको दूर नहीं भागना, उनके पास जाओ। डर को मारने का एक ही सूत्र है, डर के नज़दीक जाओ। और जिस दिन आप डर के नज़दीक जाएंगे आप पाएंगे तो कुछ भी नहीं है। गुरुदेव सॉरी टू इंटरप्ट यू, तो कई युवाओं का कहना ये भी है कि तांत्रिक अपने वश में कर लेते हैं, तो इससे आप मतलब क्या कहना चाहेंगे कि क्या एक्चुअल में तांत्रिक या जो ओपरा होता है, कहते हैं कि ओपरा हो गया जी जी, तो क्या वो एक्चुअल में ओपरा होता है कि वो तांत्रिक अपने वश में कर लेते हैं? देखो क्या है कि जो ये तांत्रिक हैं जब किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ क्रिया करते हैं तो वो क्रिया थोड़ा सा असर दिखाती है जी जी, पर वो दिखाने से पहले क्या है कि आपकी माइंड की जो स्थिति है उसको बिल्कुल वीक कर देती है। वो माइंड का स्तर इतना नीचे गिरा देती है कि व्यक्ति चाह के भी अपने आप को ऊपर नहीं उठा सकता, वो लड़ नहीं पाता। चाहे उस चीज़ का असर भी ख़त्म हो जाए पर उसको हमेशा भयभीत नज़र आएगा वो व्यक्ति, उसको ये लगेगा पता नहीं फिर वो चीज़ दोबारा से उसने अटैक किया है या नहीं किया है, वो अपनी ही मानसिकता से वो हमेशा बीमार रहता है। तो इसलिए डरना नहीं है, कर भी देंगे क्या कर देंगे, आप मर जाओगे, क्या हो जाएगा? कभी सुना है किसी प्रेत भूत प्रेत ने आपको छुरा मार दिया हो? किसी भूत प्रेत ने आपकी गर्दन उड़ा दी? सुना नहीं, ये तो नहीं। ऐसा फिर वो करेगा क्या? कुछ नहीं है, इन शॉर्ट साइकोलॉजिकल हो जाता है। बिल्कुल, ये मेंटली है। और जितना आप इससे निकलोगे उतना ही आप एक साधारण जीवन जी पाएंगे, और जितना इन चीज़ों से आप डरेंगे उतना ही ये तांत्रिक आपको डराएंगे। इसलिए इनका मुकाबला करना है, वो डट के मुकाबला करना है। और अरे युवाओं से तो भगवान भी डरता है, या उम्र तो ऐसी होती है, तो आप इन तांत्रिकों से डर रहे हैं तो क्या फ़ायदा आपका? क्या है फिर भारत के युवाओं का इतना ज़ोर शोर से नाम लिया जाता है? ऐसे महान पुरुष इस भारत की भूमि में पैदा हुए हैं, वो युवा ही तो हैं सब। मुगलों को आपने नहीं छोड़ा, अंग्रेजों को आपने नहीं छोड़ा,
सारे युद्ध आपने लड़े, तो इसके बाद इन तांत्रिकों से डरेंगे आप? अरे छी, निकले इस चीज से बाहर, अपने आप को पहचाने हम कौन हैं, और उनको जवाब दें कि अभी मैं जिंदा हूँ, अभी गनीमत है सबर मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। उन्हें जाकर कह दो अभी जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। तुम तो जिंदा हो, हर रोज मरते हो, तुम अपनी सोच से मरते हो, क्या जीना इस जिंदगी का फिर आप जो रोज रोज मर रहे हो? इसलिए लड़ना सीखो, जीना है तो मरना पड़ेगा। और गुरुदेव, कुछ कमेंट हमें आए, कुछ लोगों का कहना है कि जो आप चाहते हो, धर्म के कुछ ठेकेदार ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि जो गुरुदेव चाहते हैं हम उनको उस चीज़ में कामयाब नहीं होने देंगे, तो इसके बारे में आपका क्या मतलब विचार है? अब देखो, मुझे तो पता नहीं हो कौन लोग हैं और क्या सोच रखते हैं हमारे प्रति, कि जो हम चाहते हैं वो होने नहीं देंगे, वो कौन होते हैं? हमारा जो तय सब कुछ, हमारा तो ये भी तय है कि हमारे जन्म कै और होंगे। जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया है और जो दे रहे हैं, तो एक जन्म में थोड़ा ही पूरा होगा। हमें तो लाने वाले वो हैं, हमें तो लाने वाले हमारे गुरु महाराज हैं, तो हम इनसे क्या डरेंगे? अगर कल को हमें मार भी देंगे तो क्या होगा? अगले जन्म में फिर मजबूती से आएंगे। और यह हुआ ही क्या है, यह सबको जहर दिया गया, हमें भी कुछ जहर दिया जाएगा, गोली खा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता? अगले जन्म में फिर मजबूती से आएंगे, तो इनसे क्या डरे हम? ये क्या डराएंगे हमें? जब परिवर्तन की चाह कोई रखता है तो उसको समस्या पैदा होती ही है, ये इतिहास गवाह है। उन ठेकेदारों को, उन धर्म के ठेकेदारों को ये लगता है, अगर परिवर्तन हुआ, अगर भारत का युवा अपने आप को पहचानने लगा, तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए इनको भयभीत है, हर रोज ये इस चीज़ से झूलते रहते हैं कि हमारी जो ये दो दुकानें चल रही हैं, इनकी तरफ किसी की नज़र ना जाए। हम जैसा भारत की जनता को डराते हैं, फुसलाते हैं, और ये आज से नहीं है, ये बहुत सालों से ये प्रक्रिया चलती आ रही। इनके बड़ों ने भी ये तय किया था कि इस इन भारत की जनता को डराओ, फिसलाओ, इनको बताओ तुम शूद्र हो, तुम ये हो, तुम वैश्या हो, तुम मंदिरों में नहीं जा सकते, तुम्हारा काम है इनकी सेवा करना, तुम्हारा काम है इनके चापलूसी करना, तुम्हें भगवान ने सजा दे के भेजा है, हमारी सेवा करो, कर्म करो, तो अगले जन्म में अच्छा स्थान मिलेगा, अच्छी कौम में जन्म देंगे। तो ये तो धंधे बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, हम तो बहुत छोटी उम्र में समझ गए थे ये चीज। तो आई होप आपको जो है काफी कुछ क्लियरेंस मिली होगी तांत्रिकों के खिलाफ, है ना। और अगर आपको कोई भी टॉपिक में, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो चाहिए किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड, तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो चीज़ जरूर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। ओम शिव गोरक्ष।